सुभान अल्लाह। शिवदास की है लफ्ज़ या पास जो होठों पे सजा रखा। वाह 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 वाह। क्या है मेरा मौला, किस इज्जत की शान, किस मयार का मालिक है अब्बास। वाह अर्ज की है लफ्ज़ या पास जो होठों पे सजा रखा है। दूजे मिसरे तो उसी तवज्जो करनी है, दूजा मिसरा कायनात तो कीमत दी वजह शेरे। वाह के लफ्ज़ या पास जो होठों पे सजा रखा है, लफ्ज़ या पास जो होठों पे सजा रखा है, दुनिया वालों रूहमी को सरो जमजम का मजा रखा है। सुभान अल्लाह। उनके बालों में
उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। उनके बालों में नूरी सुफेदी भी थी जिसपे मेहंदी लहू की लगाते रहे, जिसपे मेहंदी लहू की लगाते रहे। किबला दो लफ्जारे सुरखरू सुरखरू, एक सुरखरू हम होते कि मैं अपने काम से सुरखरू हो गया, एक सुरखरू होते अपने चेहरे पे खून बनना जिसे पतो कल मैंने शहीद हो जाना है। कौन है मेरा मौला हबीब, क्या है मेरा मौला हबीब? दुनिया वालों करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे, मौत की बाहों में पाए डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे। सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्श मौला पे वो सर झुकाते रहे। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उनके बालों में पहली भी थी जिस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। और दुनिया वालों दश्त में वो नमाज़े बिला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था, सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। जिंदगी का गुमा हो गया। किबला दस मुहर्रम की रात को हुआ क्या था? दस मुहर्रम की रात को शब आशूर को हुआ क्या था? अर्थी है शब आशूर खेमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आशना हो गया। शबे आशूर खेमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आशना हो गया। जब बुझाया चरागों को शबीर ने, जब बुझाया चरागों को शबीर ने, हशर तक मसारा मंजर आया हो गया। दुनिया वालों एक अंधेरे ने ऐसा उजाला किया, पल में ही एक बूढ़ा जवान हो गया। बात में कब की करने लगूं? शबे आशूर दस मुहर्रम की रात की, सच्चे दस मुहर्रम की रात को जनाबे हबीब का नौकर जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के पास आया। उसने कहा, हबीब आका मौला, हमारा सामान पैक है, आई चले, क्योंकि अगर यहाँ पे हम रहे कल हमने शहीद हो जाना, यहाँ पे हम रहे कल हमने शहीद हो जाने, कल हमने शहीद हो जाने। उस वक्त मेरे मौला हबीब कहते, भाई मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता। नौकर कहते, बादशाह क्यों? अब जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर कह रहे हैं, मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। अच्छा के बोलो हैदरी। जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर कहते, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज, शाह से कहे अपने हमरा ले आए वो शबीर को। मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज, शाह से कहे अपने हमरा ले आए वो शबीर को। जब शजर और समर आ गए मेरे घर, जब शजर और समर आ गए मेरे घर, तब गले लग गए खाब ताबीर को। खुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। खुदा चलते देखा था पहली दफा, अभी कहते नौकर, खुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। अभी बादशाह हुसैन मेरे घर में इंटर मेरे घर में दाखिल नहीं हुए थे,
मैंने हुसैन बादशाह को दूर से आते देखा, फिर मेरे दिल में माहौल क्या बना। हबीबी ने मजार मुस्कुरा के फरमाते, मेरे दिल ने था दिल दिल में तय कर लिया, इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं, चल के जाना मोहब्बत की तोहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तोहीन है, चल के जाना मोहब्बत की तोहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। हबीब बादशाह फरमाते हैं, चल के जाना मोहब्बत की तोहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। फिर अदादारो माहौल क्या बना। हबीब इब्न मजाहिर कहते हैं, मैं छोटा सा था, मैं छत पे खड़ा था, अपने नौकर से बातें कर रहे, मुझ सुमैल हैदरी से नहीं कर रहे। हबीब इब्न मजाहिर अपने नौकर से बातें करके मुस्कुरा के फरमा रहे, मैं अपने घर की छत पे था, मेरे दिल ने था दिल दिल में तय कर लिया, इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं, चल के जाना मोहब्बत की तौहीद है, गिर के दरबार में गिर के जाऊंगा मैं, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। हबीब ने मजाहिर मुस्कुरा के फरमाते, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। हबीब फरमाते, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी, जिंदगी जिंदगानी ने पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। हबीब फरमाते, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी, जिंदगी जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। दुनिया वालों, हबीब फरमाते, जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। फरमाते, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी, जिंदगी जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। हबीब इब्न मजाहिर मुस्कुरा के फरमाते, मेरे दिल दिल ने था दिल दिल में तय कर लिया, मेरे दिल ने था दिल दिल में तय कर लिया, इस पे मरना ही जीने का सामान है, मैंने मोला पे ये जान कर जान दी, बस इसे जान दे दो यही जान है। हबीब का सर हुसैन बादशाह ने अपनी गोदी में रख के कहा, मलकल मौत, अगर आज तूने हबीब की रूह वापस ना की, आज तेरी छुट्टी। अगर आज तूने हबीब की रूह वापस ना की, आज से तुम्हारी छुट्टी। मलकल मौत काम का खड़क का वापस आया, उसने हबीब की रूह वापस की, हबीब के जिस्म में दोबारा जाना, हबीब के जिस्म में जाना नहीं थी। अब हबीब ने मजाहिर मुस्कुरा के फरमाए, रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। तरक्की को हबीब कहते, मैं तरक्की की राह में जा रहा था, मैं तरक्की कर रहा था, मौला आपने मेरा रूह वापस क्यों भेजा। मौला मुस्कुरा के फरमाते, हबीब मुस्कुरा के फरमाते, रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, बा खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, लाला जी आए जमाने को याद है सड़ी जान कर लो। हबीब मौला हुसैन की झोलिए सर रख दे बहन। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, खुदा जान ले लो खुदा के लिए। हबीब फरमाते, मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे, क्या तुम हो बाकी हमारी बका के लिए। हबीब सुन सुन, मेरी जान यूं जान देती है, जो वो मुझे चाहिए करबला के लिए। सदके हाथ जाके बोलो हैदरी। वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, बा खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे, सच्चे उस मौला जो मौला हुसैन हबीब
इनका मुंह छू रहे जनाब हबीब की क्या बात है। मैंने कहा कि हबीब ने मजार मुस्कुराते फरमाते मेरा मुंह छूकर मुझसे कहने लगे तुम हो बाकी हमारी बका के लिए, सुन मेरी जान यूं जान देती है जो वो मुझे चाहिए करबला के लिए। तो बाबा जी ने आज कहा कि बेटा मैं वो जो पिछले साल नज़म पढ़ी थी वो आज आपने लाजमी पढ़ ली है। तो अर्ज की है एक सहाबी ने सरवर को दी एक खबर, बात में कब की करने लगो कहाँ की करने लगो क्यों करने लगो। मैदान पीर आलम था तो रसूल खुदा ने कहा जो 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 बंदे मेरे साथ मौजूद हैं इनमें से अगर कोई मुझे करीबी पानी का पता देगा तो उसे नक्द जन्नत की रसीद लिख देता। क्या वहाँ पानी भी है और रवानी भी है पर मगर कब्जा है उसपे जिन्नात का, वहाँ पानी भी है और रवानी भी है पर मगर उसपे कब्जा है जिन्नात का। मुस्कुरा के मोहम्मद ने उससे कहा जरा इदराक करना मेरी बात का, मैं हूँ ऐसा वली मुझसे छोटा अली खुद मुहाफिज है अल्लाह मेरी जात का, मैं हूँ ऐसा वली मुझसे छोटा अली खुद मुहाफिज है अल्लाह मेरी जात का। रसूल खुदा मुस्कुराए सुलेमान की तरफ देख के कहते हैं सुलेमान ये बात याद रखना मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी से है, सुलेमान ये बात याद रखना मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी से है। और फिर आज तो मुर्तजा साथ है पानी लेना है मुश्किल तो क्या हो गया इस सफर में तो मुश्किल कुशा साथ है। पानी लेना है मुश्किल तो क्या हो गया इस सफर में तो मुश्किल कुशा साथ है। मेहमान जाकिर दुनिया का एक बहुत मारूफ सनाम आपके और मेरे दिल की धड़कन को बना बेख्याल से नाम तशरीफ इजाजत है कि बुला के नजम का खुदा ने कहा कौन है मेरा जानशीन जो जाके पानी ले आए। सब के सब ऐसे चुप थे जैसे गूंगे थे, सब के सब बाबा जी चुप थे। अली बात छोड़ी, अली बात सुन का मैं जा। रसूल खुदा ने फरमाया बैठ जाए, फिर अली खड़े हुए, फिर अली खड़े हुए। रसूल खुदा ने तीन मरतबा कहा, तीन मरतबा अली खड़े हुए। अब रसूल खुदा मुस्कुरा के फरमा रहे हैं अली ये बात याद रखना जिनका विश्वास है गलबे प्यास है मेरी अफवाज है जेर सदिया अली, जिनका विश्वास है गलबे प्यास है चाचू जी मेरी मेहनत देखनी दे दाद देखनी है किड़ी मायार दे बहन। अली बात सब मुस्कुरा के फरमाते हैं रसूल खुदा से, अली बात सब मुस्कुरा के फरमाते हैं अली जिनका विश्वास है गलबे प्यास है मेरी अफवाज है जेर सदिया अली, इनको पानी पिला बांट इनमें बका एहसान करता अबद या अली, इनके पानी पिला पानी में पका इनपे एहसान करता अबद या अली। खंदक बदर खैबर का फातिह है तू, है तुझ पे रजुल की सनद या अली, आ गई मुश्किलें अब ये कैसे टले जब तलक तू करे ना मदद या अली, आ गई मुश्किलें अब ये कैसे टले जब तलक तू करे ना मदद या अली। रसूल खुदा मुस्कुरा के फरमाते जाके जिन्नात से, जाके जिन्नात से अपना हक छीन ले ताकि जाहिर वो हक्का वली कौन है, मेरे असहाब को जो दिखाई न दे इनसे लड़के दिखा दे वसी कौन है। जिन्नों के सरदार ने भेजा जा जासूस जिनको, जाओ देखो मोहम्मद के लश्कर में से कौन सा सलार आ गया। जिन्हों का जासूस आया ये कांपता थड़कता हुआ वापस भाग, जासूस का बाबा जी वापस भागना था, बाबा जी कम दावत है एक कम दे इधर सरदार पूछे कि क्या कुड़ी ठाई और जिन्ना दे सरदार तू जासूस जिन पे आ दे अब जवाने लगा वो डराने लगा उसके चेहरे से जुर्रत नमोदार है, अब जवाने लगा वो डराने लगा, अब जवाने लगा वो डराने लगा इसके चेहरे से जुर्रत नमोदार है, इसके कदमों से लिपटी हुई है कजा उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। अब जवाने लगा वो डराने लगा उसके चेहरे से जुर्रत नमोदार है, अब जवाने लगा वो डराने लगा
कदा उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, उसके कदमों से लिपटी हुई है कदा, उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। हम रकाबी नहीं वो सहाबी नहीं, वो मोहम्मद के लश्कर का सालार है। हम रकाबी नहीं वो सहाबी नहीं, वो मोहम्मद के लश्कर का सालार है। मुतमईन पुरसकून बेधड़क बाजनून, मुतमईन पुरसकून बेधड़क बाजनून, इसका चलना बताता है करार है। जिन्नों के सरदार ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, जिन्नों के सरदार ने अली बादशाह को देखा नहीं बल्कि अली बादशाह की हालत सुनी। अब अली बादशाह की हालत सुन के जिन्नों का सरदार कांपा। अब हुआ क्या, डर के जिन्नों का सरदार कहने लगा, बाबा जी डर के जिन्नों का सरदार कहने लगा, कहीं सच मुझ को नूरे जली तो नहीं, मौत का रक्षाथों में होने लगा, गौर से देखा वो अली तो नहीं। अली बादशाह ने बीरी आलम के कुएं में लगाई छलांग, पूरे 3 घंटे बाबा जी सनाटे ही सनाटा रहा। 3 घंटों बाद जिन्नों का एक जासूस जिन आया अली बादशाह के कदमों में, जिन्नों का सरदार अली के कदमों में, चंद जिन बच्चे थे बाकी सारे फिनार हो गए थे। अब ये कह रहे अली अपनी फजीलत बता, अली अपनी फजीलत बता, अली अपनी फजीलत बता। अब मेरे मौला अली मुस्कुरा के फरमाते हैं भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अश पर, भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं। अली फरमाते हैं भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अश पर, भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अश पर। मेरी तलवार का वार फिनार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर, मेरी तलवार का वार फिनार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर। गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की इम्साल है इस कदर, कभी शामे ओहद कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दार कभी मरहब का साथ। अली जिन्नों के सरदार से अपनी तारीफ में कह रहे, गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की इम्साल है इस कदर, कभी शामे ओहद कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दार कभी मरहब का साथ। जिन्नों के सरदार ने मेरे बादशाह के पकड़ लिए कदम, मेरे बादशाह अली के कदम पकड़ के जिन्नों का सरदार कहते हैं मौला, मौला क्या मारना भी जानती है बख्शना भी जानती है, मौला क्या मारना भी जानती है बख्शना भी जानते हैं। उस वक्त मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू, जेड़ा हुण ना बोला मुकद्दर दे गोटे, मैं कह रहा हूं मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू जैसे सहारा के होठों पे पानी पड़े। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं जिन्नों के सरदार रोक लेता हूं तलवार बस इसलिए फिर ना अल्लाह को दुनिया बनानी पड़े। इतने अच्छा के बोलो हाय हरी, रोक लेता हूं तलवार बस इसलिए फिर ना अल्लाह को दुनिया बनानी पड़े। वाह वाह भाई वाह, करोड़ गुना इससे ज्यादा फजाइल पड़े। अली की इज्जतदार बेटी तब तक राजी नहीं होती जब तक उनका मसाइब न पड़े। जो दूर से आती है बाबा जी देर से जाती, मरता नहीं जहनों में उतर जाता है। एक दफा तो सुनाए कर रही है मातम कर रही है मेरे आन का मकसद हो गया, आज सात को भरा में बाबा जी सादात का पानी मांग लो। एक रिवायत पढ़ता वल्लाह खुदा तुसी एक दफा हाय कर दिवाए मेरा मसाइब हो गया, क्योंकि मेरे बाद मसाइब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम तशरीफ फरमाए। बाबा जी एक जाहिर किया हजरत इमाम हुसैन के रोजे, एक जवार गया मौला हुसैन के रोजे पे, इसने का मौला मौला मुझसे मुलाकात करे, ये मौला के रोजे पे रो 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 के इसे गशी आ गई। बाबा जी मौला के रोजे पे गशी आनी थी, एक दफा हाय करना मातम करना मेरे आने का मकसद हो गया, मौला के रोजे पे बाबा जी गशी आनी थी, ये मौला से इसने मुलाकात की। इसने का मौला मौला मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मौला मैदान करबला में आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ किस वक्त है, मैदान करबला में मौला आपको सबसे ज्यादा तकलीफ सबसे ज्यादा दुख हुआ किस वक्त है। सरकार हुसैन रो के फरमाते ये कहते मौला क्या आपको अकबर की बच्ची पे दुख हुआ है, सरकार फरमाते नहीं। क्या आपको कासिम के टुकड़ों पे दुख हुआ है, सरकार फरमाते नहीं। क्या आपको अब्बास के बाजुओं पे दुख हुआ है, सरकार फरमाते नहीं। क्या आपको अपनी बहन जैनब की चादर पे दुख हुआ है, सरकार फरमाते नहीं। दीवार में
टक्कर मारेगा रे मौला मौला, फिर आपके सबसे ज्यादा दुख सबसे ज्यादा तकलीफ हुई किस वक्त है? उस वक्त मेरे हुसैन बादशाह रो के कहते हैं इस कमीने ने तीर उस वक्त मारे जब मैं सुगर के सूखे लबों पे बोसा दे रहा था। इस कमीने ने तीर उस वक्त मारे जब मैं सुगर के सूखे लबों पे बोसा दे रहा।